तारक मेहता का उल्टा चश्मा। इस शो को पिछले 11 साल से लोग बड़े चाव से देखते आए हैं। इस शो का हर किरदार दर्शकों के बीच अब काफी पॉपुलर है, लेकिन हाल ही के दिनों में इस शो को लेकर कई ऐसी खबरें आईं जिससे फैंस का दिल टूट गया। और अब शो के फैंस के लिए एक और नई चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि शो से अब एक्टर मयूर वकाने ने भी जाने का मन बना लिया है। जी हाँ, और इसकी एकमात्र वजह दया बेन को ही माना जा रहा है। दरअसल बहुत कम लोग ही जानते हैं कि शो में दया बेन के भाई सुंदर लाल के किरदार में नजर आ रहे मयूर वकानी असल जिंदगी में भी उनके भाई हैं। और इसीलिए अब दया बेन के कारण ही वो कई बार स्क्रीन पर दिखाई दिए हैं। लेकिन अब जब दिशा के शो में लौटने पर मिस्ट्री बनी हुई है, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि दया बेन की एब्सेंस में मयूर भी अब इस शो में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे और वो अब जल्द शो को अलविदा कहेंगे। दूसरी तरफ खबर ये भी है कि दिशा को शो की तरफ से 30 दिन का अल्टीमेटम दे दिया गया है, यानी उनके शो में लौटने ना लौटने पर 30 दिनों में सब कुछ साफ हो जाएगा। ऐसे में खबर है कि निर्माता असित मोदी द्वारा अपनी बहन के साथ खराब बर्ताव के चलते ही मयूर वकाने ने भी हमेशा के लिए इस शो को छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि आपको बता दें कि उनके शो छोड़ने के बारे में कोई भी ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं दिया गया है। तो ऐसे में अब इस खबर की सच्चाई पर मयूर या मेकर्स ही सब कुछ साफ कर सकते हैं। लेकिन अगर वाकई सच में मयूर ने शो छोड़ने का मन बनाया है, तो ऐसे में इस बात से साफ अंदाजा लग सकता है कि दिशा अब शो में दोबारा लौटकर नहीं आएंगी, यानी कि अब स्क्रीन पर आपको दिशा वकानी बतौर दया बेन नहीं दिखेंगी। हालांकि जब तक इस खबर पर मयूर या मेकर्स कुछ भी साफ नहीं करते, तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी ही होगी। लेकिन अगर सच में यही खबर सच्ची है, तो ऐसे में फैंस इस अनोखे भाई बहन की जोड़ी को खूब मिस करेंगे।